हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। Hi everybody, नमस्ते, मेरा नाम है तन्वी मल्हार and welcome to a beautiful spicy show जिसका नाम है Spice it up with Tanvi. मुझे पता था चाहत को बुलाने में ये फायदा है, she'll be on my side. आज के जो मेरे गेस्ट थे, very very special to me. I think one of the reasons ये है क्योंकि एक जो लड़की आई है हमारे शो में, मैंने नाम बोल दिया चाहत, क्यों क्या मैंने ऐसे, लेकिन शी आई फील वेरी सिस्टरली टुवर्ड्स हर. पता नहीं, फर्स्ट टाइम जब तुम वो शो में आई थी, पूरी फैमिली के साथ आई थी, एंड आई रिमेंबर वी हैड द बेस्ट कॉन्वर्सेशन विद द एंटायर क्लैन. उनकी बहन यहाँ बैठी हुई है एंड शी विल कम एंड जॉइन अस इन सम टाइम, एंड माता जी भी आने वाली है. वी नीड एवरीवन्स ब्लेसिंग्स ऑन दिस काउच. और जो सेकंड गेस्ट है हमारे, ही इज, जैसे उन्होंने अभी जस्ट बताया, पैदा होते से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था और अब इतना काम कर रहे, इतना काम कर रहे कि रुक ही नहीं रहे. लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाए आयान और चाहत के लिए. और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट बोथ ऑफ यू ये है कि तुम दोनों को पता ही नहीं कि तुम कितना काम कर रहे हो और तुम्हारा इम्पैक्ट कितना ज्यादा है लोगों पर. तुम लाइक यूर 14, 15, 16 की रेंज में हो आप दोनों, एंड यू हैव नो आइडिया. आप दोनों के लिए खास, हम सब ने अपनी डेट्स मूव की है और ये बहुत इजी नहीं होता इतने सारे लोगों की डेट्स मूव करना जस्ट फॉर द टू ऑफ यू. और हम आज किसी और का इंटरव्यू नहीं ले रहे, हम सिर्फ आप दोनों का ले रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए क्योंकि हम सो यू हैव नो आइडिया हाउ मच यू मीन टू सो मेनी ऑफ अस. तो तुम हमेशा इतने वेल बिहेव थे कि तुम्हें ट्रेनिंग मिली है? नहीं नहीं, मैं हमेशा से ऐसा ही था, हमेशा से घर का माहौल ऐसा ही रहा है, तो इसलिए हमेशा से ऐसे ही रहा. इसको देख के मुझे मतलब बिहेव करने की इच्छा हो रही है अब. मैं यूजुअली हूँ, ऐसे रहती हूँ. इट्स वेरी नाइस. सो टेल मी कि आप दोनों का सिंस व्हेन डू यू नो ईच अदर? वी नो ईच अदर सिंस 2021. अच्छा. सो वी शॉट अ वेब सीरीज टुगेदर. सो वी शॉट अ वेब सीरीज टुगेदर इन ऑगस्ट 23rd हम लोग ने शूट करना स्टार्ट किया. सो आई नो दिस डेट बिकॉज उधर ही मेरा बर्थडे था, 12th August. तो मेरे बर्थडे के जस्ट बाद हम लोग ने शूट करना स्टार्ट किया. ये बहुत पॉजिटिव रहती है, डजंट मैटर कोई भी चीज हो, ये पॉजिटिव रहती है. अगर भी बोले प्रिटी अनोइंग, मैं प्रिटी पे फोकस करती हूँ. ग्लास हाफ फुल नहीं, तुम वही है ना, ग्लास हाफ फुल, ग्लास हाँ हाँ, गुड गुड गुड. उल्टा बोल दिया. क्या बोलना था? ग्लास हाफ एम्प्टी नहीं, हाफ फुल होना चाहिए. करेक्ट. तो तुमने बताया कि तुम्हारा फर्स्ट जो एड था, तुम 4 महीने के थे, कितने महीने? 6 months के थे तुम. और उसके बाद तुमने अब तक कितनी एड्स कर लिया? रियली नहीं पता मुझे, टीवी सीरियल्स पता है, आई हैव डन लाइक 14-15 टीवी सीरियल्स जिसमें से 4 से 5 लीड थे. आई हैव डन 4 मूवीज एंड एड्स नहीं पता, अनगिनत. मुझे मेरे डैडी कराते हैं सारा कि ये लाइंस करनी है, इसको ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है. सो एज आई टोल्ड यू, माय डैड इज एन ए ग्रेट आर्टिस्ट फ्रॉम दूरदर्शन लखनऊ. तो हाँ, वो मुझे बताते हैं सारा, हर चीज़ में वो मुझे हेल्प करते हैं कि ये ऐसा ऑडिशन करना. और अगर अब मैं सेल्फ टेस्ट भेजता हूँ अगर कहीं पे, तो मैं डायरेक्ट नहीं भेजता, पहले डैड को भेजता हूँ. तो मुझे 2 अप्रूवल चाहिए, पहले डैड का चाहिए, उसके बाद मैं आगे भेजूंगा, तो उधर से अप्रूवल मिलेगा मुझे कि ये ऑडिशन सही है या नहीं. सेम, तुम दोनों का वैसे बहुत सिमिलर है बिकॉज इनके घर पर भी मम्मा एंड पापा वेरी वेरी इन्वॉल्व इन एवरीथिंग दैट यू ऑल डू. तो तुम अभी अभी तुम भी एक्टिंग ऑडिशन चल रहा है, सीरियल कुछ चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है? अभी सीरियल नहीं चल रहा है, अभी सीरीज चल रही है. कौन सी कर रही हो? हंटर सीजन 2. ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू, सो प्राउड ऑफ यू. तुम्हारी बहन है ऑलरेडी, लेकिन अगर तुमको एक और बहन चाहिए तो मेरे को सब्सक्राइब कर लेना. आई एम टॉकिंग इन योर लैंग्वेज. आप तो हुई बाय डिफॉल्ट, आई एम योर सिस्टर. टॉकिंग अबाउट सिस्टर्स एंड लाइक, तुम दोनों की बड़ी बहनें हैं, सो ऐसा है कि दोनों बॉस अराउंड करती है तुम दोनों को? ऐसा कोई सीन है कि तुम दोनों उनको बॉस अराउंड करते हो? नहीं, मेरा तो ऐसा नहीं है आचिदी और मैं, मतलब एक्चुअली हाँ, थोड़ा तो मैं बॉस अराउंड करती हूँ आचिदी को. इट्स लाइक
उनको पर्सनल स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिलती है. मैं पूरा टाइम उनके रूम में बैठी रहती हूँ. शी इज लाइक चाहत अब बस. नहीं नहीं मैं तो इधर ही रहूंगी भाई, अब आप अपना देख लो. सो स्वीट. और अभी भी आप ये सबका मेकअप करती हैं? हाँ, मेरे आईज अभी नहीं, आईज मैंने ही किए एंड लाइनर उन्होंने लगाया, बाकी फेस का मैंने किया. वेरी गुड जॉब डन. वेरी गुड. थैंक यू. गुड जॉब. आई रियली अप्रिशिएट. बहुत ही अच्छा. थैंक यू. नाइस. क्यूट. क्यूट इज द वर्ड फॉर हर. मतलब बनाई है तुम्हारे लिए. और जन्नत और तुम्हारा कैसा रिलेशनशिप? तो वो मेरे से 7 साल बड़ी है, लेकिन पिछले 3 साल से उनको कभी मैंने ये फील होने नहीं दिया कि वो मेरे से बड़ी है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से वो मेरे से हाइट में छोटी हुई है, अब तो खैर कंधे तक आती है, बट जब से वो मेरे से हाइट में छोटी हुई है, तब से मैं उनका बड़ा भाई हो चुके हूँ और उनको वैसा ही ट्रीट करता हूँ मैं कि वो मेरी छोटी बहन है. वाओ. तो वो तुम्हारा तो सुनती भी है? हाँ सुनती है. किस बारे में? किस बारे में सुनती है? और तुम्हारी किस बारे में ये सुनती है? वो दोनों चाहिए मुझे. आई मीन कुछ भी अगर उनको चाहिए रहेगा, किसी भी चीज पे ओपिनियन चाहिए होएगा तो ये मुझे पूछेंगी. मुझे किसी चीज का ओपिनियन चाहिए होएगा तो मैं उनसे पूछूंगा. एंड हर एक चीज हम लोग साथ में आगे डिस्कस करते ही हैं. करते हैं. अभी तुम्हारा फोकस क्या है? इन्फ्लुएंसिंग पर ज्यादा है? यूट्यूबिंग इज नॉट अ वर्ड बट व्हाटएवर द फेस इज. क्या एक्टिंग में है? व्हाट इज योर मेन फोकस राइट नाउ? सी, मेरा मेन फोकस इज एक्टिंग एंड बिजनेस. ऑन बिजनेस एंड बिजनेस. या एक्टिंग एंड बिजनेस मेरा मेन फोकस है. सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने इतना स्टार्ट में जब ये सब आया था, जब म्यूजिकली था, म्यूजिकली भी नहीं, जब डब स्मैश था, इफ यू नो अबाउट. आई नो डब स्मैश. तो जब वो था हम लोग ने तब स्टार्ट करा था. तुम लोग ओजीज हो एक्चुअली. हम लोग ओजीज हैं. सो लोगों को लगता है कि हम लोग ने ऐसा भी कुछ भी बना के आ गए, तो नहीं. हम लोग एक्चुअली इतना स्टार्ट से कर रहे हैं कि जो बेस लेवल से जो लोग हमको जानते थे, हम लोग एक्चुअली उस टाइम पे लोग हम इसलिए फॉलो करते थे क्योंकि हम एक्टर्स थे और स्टार्ट में हम लोग के फॉलोअर ज्यादा हो गए. तब लोगों ने देखा कि ये प्लेटफॉर्म, नए प्लेटफॉर्म के अंदर किसके ज्यादा फॉलोअर्स है, तब उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. तो इसलिए फिर डब स्मैश में ऐसा होता था ना, म्यूजिक होता था और आपको उस पे लिप सिंक करना होता था. ये था. हां, इट्स बैक इन 7-8 साल पहले. 2015. हां, ऑलमोस्ट अभी तो 9-10 साल हो गए. हां 15. तो हम लोग ने तब स्टार्ट करा एंड हां, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो इंस्टा से और जो सोशल मीडिया से मिलना था अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया. लेकिन मेन फोकस मेरा एक्टिंग है एंड बिजनेस. सो व्हेन यू से बिजनेस, किस क्या बिजनेस? कुछ भी हो सकता है. I mean, business is not something. So do you treat YouTube as your business also and Instagram as your business? No. अच्छा, that's just art जो आप. That is just something जो के मुझे जो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक additional चीज मुझे मिल गई अल्लाह की तरफ से and मैं उसके लिए काफी grateful. हाँ grateful हूँ. But yes, वो एक चीज है जो के मेरे लिए है, but that is not जिसको मैं बिजनेस मानता हूँ. हाँ यार, तुम मुझे बताओ दोनों. क्या तुमने, इसने मुझे बता दिया क्रैक कैसे करते हैं, तुम मुझे बताओ कि कैसे तुमने इंस्टाग्राम पे क्रैक कर लिया, एक्टिंग भी क्रैक कर ली, व्हाट आर यू डूइंग चाहत? सो आपको तो स्टोरी पता ही थी कि कैसे इधर आ गए थे. तो मम्मा का तो ड्रीम था ही कि इधर आना ही है, बच्चों को इंडस्ट्री में डालना है एंड वो हो गया. जो आचिदी, किसी हम लोग एक एरिया में गए थे, हमने वहाँ पे बोला कि बिकॉज आचिदी वांटेड टू मेकअप का कोर्स वगैरह ये सब करना था आचिदी को, तो हम लोग गए, हमने बोला वी वांट टू अप्लाई फॉर ब्यूटिशियन दिस एंड दैट, दे हैड ऑडिशन. तो मम्मी को मैसेज आया एक हफ्ते बाद कि इधर इस लोकेशन पे ऑडिशन है, इट वॉज इन महाड़ा. एंड मम्मा ने जब देखा तो हम एकदम चाइना से ही आए थे. आई थिंक इट वॉज फॉर किसान कैचर. कौन सा महाड़ा? एक ही महाड़ा, मलाड वाला. पूरी टीम को लेके चलते ऑडिशन दिया, बट जो ऑडिशन ले रहा था उन्होंने मुझे देखा, इसकी एज क्या है? सो मामा वाज लाइक शी इज 6. तो उन्होंने बोला इसका लुक ना काफी ऑडिशंस में जाएगा, आप इसको कल लेकर आओ, एक और ऑडिशन है स्टार HD का. तो मैं गई एंड मैं उसी में ही सिलेक्ट हो गई. उसके बाद मैं करती गई. ऐसा एक चीज ना, सेम चीज ना मेरे साथ, सॉरी टू कट, सेम चीज मेरे साथ हुआ था. आई वाज डूइंग द सीरियल जोधा अकबर. जोधा अकबर सीरियल देखा है? वी लव जोधा अकबर. पापा, मेरी मम्मा, हम फंक्शन से घर आते थे जल्दी, वी वांटेड टू वॉच जोधा अकबर. ये मेरे साथ हुआ है एक्चुअली. वो मैं साथ में गया था अप्पी के,
अप्पी को ऑडिशन देना था अनारकली का, तो अप्पी ऑडिशन देने गई एंड दैट गाय सॉ मी कि सलीम में ये जाएगा, तो द सेम स्टोरी है, उसने बोला कि सलीम में ये जाएगा, फिर मेरा ऑडिशन लिया और फिर मेरा हुआ, सेम स्टोरी हुआ। मुझे लगता है कास्टिंग डायरेक्टर देख के मेरे को देखते किसी और को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ वो हो रहा है। मतलब मुझे देख रहे नहीं, ये जो बाजू में पड़ी है वो थोड़ी अच्छी लग रही है यार, ये हो क्या रहा है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। बाय द वे गाइस, मेरे पापा इसलिए बोला बिकॉज माय डैड इज आल्सो हियर टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम। वेलकम से वेलकम, हाय हाय बोलो पापा को, हाय हेलो। तो सब लोगों को लगे बीच में पापा क्यों बोले, बिकॉज माई डैड्स योर। एनी वे, सो नाइस, गुड स्टोरीज ऑल द टाइम। अब मुझे बताओ कि फ्यूचर में मतलब ये साल वेयर डू यू सी, व्हाट आर योर गोल्स एंड मैनिफेस्टेशंस, क्या चल रहा है ये साल, बिकॉज तुम दोनों इतना ऑलरेडी अकम्प्लिश कर चुके हो, अभी और क्या करना है लाइफ में, जब जहाँ पर तुम हो वहाँ पर यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ लोगों को पहुँचना है, बट यू आर ऑलरेडी देयर, सो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर बोथ ऑफ यू, तुम बोलो। तो हम जिस इंडस्ट्री में हैं उधर कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ आ गए बस ओके हो गया काम, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप आगे बढ़ते जा सकते हैं, मतलब कि इसके अंदर कोई एंड गोल नहीं है, हम एक टारगेट रख सकते हैं बट एक एंड गोल नहीं रख सकते कि यहाँ पे आके फिर आराम करो यहाँ पे हो गया, तो जो भी हो आगे आता रहेगा काम, हमें काम करते रहना है। एंड हाँ, हैं अलग अलग टारगेट हैं, काफ़ी चीज़ों के टारगेट हैं, अलग अलग चीज़ें खड़ी करनी है, इसके अंदर काफ़ी काम करना है, और इंशाल्लाह मूवीज करनी है, वेब सीरीज करनी है, म्यूजिक वीडियोस करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, एंड इंशाल्लाह ये साल के अंत तक की नई नई चीज़ें भी आएंगी ज़रूर। जो लोग जस्ट इन्फ्लुएंसिंग और एक्टिंग में जा रहे हैं, व्हाट इज दिस वन एडवाइस जो आप दोनों ने सीखी है खुद और वो आपको बोलना है, मतलब रियल एडवाइस, नॉट लाइक यू नो पोस्ट एवरी डे, ये नहीं, मतलब जेन्युइनली व्हाट डू यू थिंक वर्क्स ऑन इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया एंड और ऑडिशन। आई थिंक फॉर इन्फ्लुएंसिंग ओरिजिनल कंटेंट, लाइक मैं भी थोड़े टाइम से ओरिजिनल कंटेंट डालना चालू किया, आई एम सीइंग माय अकाउंट इट्स गॉन फ्रॉम हियर टू हियर, सो आई थिंक दैट रियली मैटर्स एंड रिलेटेबल कंटेंट, बिकॉज जब वो लोग देखते कि अरे हाँ यार ये तो मेरे साथ भी होता है, तो वो ज़्यादा लाइक करते, वो ज़्यादा कमेंट करते, ज़्यादा शेयर करते, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते, तो इससे आपका अकाउंट भी बढ़ता है, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, रीच बढ़ती है, एंगेजमेंट बढ़ती है। एंड फॉर एक्टिंग आई थिंक कई बार ऑडिशंस में ना जो ऑडिशन ले रहे होते हैं जस्ट जज यू कि नहीं ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, आप लुक में नहीं जा रही, नहीं कर रहे, इसके चक्कर में बहुत लोग एक्टिंग ही छोड़ देते हैं, बट वैसा छोड़ नहीं देना चाहिए, यू शुड ऑलवेज ट्राई, एंड आई थिंक एक ना एक दिन उनका सपना पूरा हो ही जाएगा, अगर नहीं हुआ तो आई थिंक दैट्स नॉट मेंट फॉर देम, बट कुछ और बहुत अच्छा उनके लिए वेट कर रहा हूं। मैं ये बोल रही हूं, इतना हर एक चीज में पॉजिटिव रहती है, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, इसको सुनते रहने की इच्छा होती है, कुछ भी चीज में ही पॉजिटिव चीज निकाले, नहीं भी हुआ तो कुछ और हो जाएगा, लेकिन होएगा, होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स भगवान हमारी सुनता है यार, कुछ ना कुछ एक चीज तो होगी हमारे लिए कहीं ना कहीं। तुम तो बोलो ही मत, तुम्हारे लिए सब हो चुका है, भगवान इज जस्ट बीइंग विद यू राइट नाउ, आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू भगवान पर्सनली, जरा नंबर भेजना मुझे। यार बहुत ही गजब क्वेश्चन आया था दिमाग में, भूल गई क्योंकि तुमने मुझे बोला पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव में चली गई। लेट्स टेक अ मोमेंट गाइस, एक ब्रेक ले लेते हैं, तब तक मेरे को दिमाग में आ जाएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक, हैव अ कॉफी, और नो डोंट हैव अ कॉफी, ड्रिंक चाय, व्हाटएवर, बाय। हाय, वेलकम बैक। वैसे तो हम कहीं जाते हैं नहीं, आई डोंट नो आप भी कहीं जाते हो, बट आई लाइक टू टेक दीज ब्रेक्स, इट मेक्स अस फील वेरी नाइस। हाँ, सो मुझे क्वेश्चन याद आ गया, यार हर कोई ग्रोथ के बारे में बात करता है लेकिन सेटबैक्स के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता, नॉट ऑन इंस्टाग्राम, नॉट ऑन एनीवेयर। सो ऐसा कभी हुआ है कि आपके लाइफ में ऐसा पीरियड आया, खैर आपसे बहुत ही कम साल के हो, बहुत ही छोटे हो, बट फिर भी बिकॉज यू एक्सपीरियंस सो मच, कभी डाउनफॉल आया है एंड यू डिडंट नो वो क्या हो रहा है अभी लाइफ में, एंड हाउ डिड यू कोप विद इट, बोथ ऑफ यू। सो आई विल टेल यू, व्हेन दिस यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक थिंग केम अप, तब बहुत हेट मिलता था। अच्छा, तब बहुत हेट मिलता था, इनफैक्ट हेट तो आज भी मिलता है, आई मीन लोग कुछ भी आते थे, कुछ भी बोलते थे, इनके लिए क्या है, उनके लिए तो क्या है, बस कमेंट कर दो, कमेंट करके चले जाओ, उनको कोई मतलब नहीं, उनको कोई कुछ बोल नहीं रहा है ना, उनका कोई कमेंट देख रहा है, बट सी जब तक अपने तक बात रहे तब तक ये ठीक रहता है, लेकिन फिर पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, फिर ये इन्वॉल्व हो जाता है, वो इन्वॉल्व हो जाता है, आई मीन सी इट्स समथिंग दैट वी डू फॉर फन। उस टाइम पे हम लोग ने जब स्टार्ट किया था बनाना, तब तो हम लोग फन के लिए करते थे, ये हमारा तब एक
ऐसा नहीं था कि दिस इज आवर लाइफ, दिस इज दिस, दिस इज दैट. तब हम लोग मेनली एक्टर्स थे, बट ये हम लोग फन के लिए करते थे कि एक्टिंग आती है तो ये चीज करेंगे हम. बट अगेन कुछ भी डालो, अगर हमको थोड़े ज्यादा लाइक्स आ गए, थोड़े ज्यादा व्यूज आ गए, तो लोग आएंगे कमेंट करेंगे, कुछ करेंगे, करेंगे वो करेंगे. लेकिन फिर हम भी वही सोचते थे कि अगर उनको अच्छा बोलने का राइट है तो बुरा बोलने का भी राइट है, तो इसलिए कुछ बोल नहीं सकते हैं उन्हें. लेकिन स्टिल आई मीन इतना ऐसे अगर आपको बोलना है, अगर हमको ऐसे ही मिल गया तो फिर आप भी करके ले लेते. हाँ, अगर इतना ही इजी है, इतना ही वैसा है, तो फिर आप भी कर लेते, आप भी आ जाते 9 साल पहले. Exactly. आप भी तब बनाना स्टार्ट कर देते, तभी आपको भी मिल जाता. लेकिन अगेन अगर आप कुछ कर रहे हैं तो फिर 100 में से 80 लोग आपको बुरा ही बोलने वाले. डजंट मैटर व्हाट फील्ड यू आर इन, डजंट मैटर व्हाट यू आर डूइंग, हेटर्स हमेशा रहेंगे. बुरा सोचने वाले लोग हमेशा रहेंगे. जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ, एंड आपको ये ध्यान देना है कि आप कहीं भटक ना जाओ. क्योंकि आप भटकोगे तो जो 20 लोग अच्छा बोल रहे हैं ना, वो भी अच्छा नहीं बोलेंगे, वो भी चले जाएंगे. तो आपको बस, आपको कभी भी स्ट्रगल करते रुकना नहीं है, आपको हमेशा अपने काम पे ही फोकस रखना है. और जो लोग बुरा बोल रहे हैं वो बुरा ही बोल सकते हैं और कुछ कर नहीं सकता, तो उनको अपना बोलने देना, लेकिन आपको अपना फोकस करना है कि आप कहीं गलत ना चले जाएं. एंड या यू विल सक्सीड. दैट्स व्हाट इवन मम्मा सेज कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, तुम अपने गोल्स पे फोकस करो. तो मतलब दैट्स वेरी वेरी राइटली सेड. बट ऐसा कभी फील हुआ कि मैं इतने छोटे टाइम से काम कर रहा हूँ, यू नो, आई हैव क्राइड? या हाँ, आपको देखना है, आप देखो, आपको नहीं देखना है मत देखो, बट देखो, आके कमेंट करो, ये करो, वो करो, क्या मिल रहा है. आई वॉज अ किड, मैं अपने लिए बना रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, इतना फन कंटेंट बना रहा हूँ, क्यों आके बीच में बोलना है. चालू कर दो, हमें लगता है लोग क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है. तो जब कमेंट्स पढ़ते तो बहुत बुरा लगता है. अब तो मुझे कुछ फील नहीं होता, मैं तो पढ़ती भी नहीं हूँ कमेंट्स. मैं तो आज भी कमेंट्स पढ़ता हूँ, फिर जिम चला जाता हूँ. ज्यादा मोटिवेशन आती है वर्कआउट करने. सो नाइस. यार फिर एक क्वेश्चन आया था, क्या हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग मिस मलहारा. हाँ नहीं, मैं ये बोल रही थी कि आप अभी 9th standard में हो. मैं 10th में. तुम 10th में हो अभी? बिकॉज़ वो मेरा नवंबर में बर्थडे आता है, तो मेरा एक साल ऐसा पीछे चल रहा होता ऐसा लगता है. और तुम उससे एक साल बड़े हो, दो साल. तो कुछ महीने के लिए 3 साल बड़ा हो जाता हूँ, मतलब 2 महीने के लिए. ही इज ओल्डर टू मी 2 years 3 months. 2 years 3 months. ओके, वो दैट वाज नॉट द क्वेश्चन ओनली, बट हमने कर दिया मैथ. क्या फर्क पड़ रहा है. क्वेश्चन वाज कि कभी ऐसा लगा कि यू हैव नेवर एंजॉयड योर चाइल्डहुड एज अपोज्ड टू लाइक यू ऑलवेज बीन वर्किंग. ऐसा नहीं लगा कि मतलब मुझे रिबेल करना है, मुझे बस आइसक्रीम खानी पूरे दिन, मुझे नहीं करना है कॉन्टेंट, ऐसा लगा कभी? नहीं, बिकॉज कभी वो वाली लाइफ में मज़ा आया ही नहीं. इनफैक्ट जब शूट नहीं होता था तब घर पे बोर होता था कि क्या करें, कुछ है ही नहीं करने के लिए. ये हमने कभी भी ऐसा काम के हिसाब से लिया नहीं. मीन पर्सनली मैंने तो कभी ऐसा काम के हिसाब से लिया नहीं. मुझे तो मज़ा आता था कि सुबह जाओ, शूट करो, नए नए लोगों से मिलो, सेट पे इतने लोग होते हैं, वही दोस्त बन जाते हैं. आई मीन मैंने जब मैं अशोका कर रहा था, जोधा अकबर कर रहा था, वो टाइम पे मैं एक्टर्स से दोस्ती नहीं करता था ज्यादा. मैं एक्टर्स से ज्यादा बात नहीं करता, मैं बात करता था जो मेकअप वाले हैं उनसे, जो मेकअप मैन है, जो सेटिंग वाले हैं उनसे बात करता था. क्योंकि फिर जो सेटिंग वाले होते, फिर मेरे को तीर कमान देते थे, फिर वो मेरे को शॉर्ट बना के. आज तक मैंने हिस्टोरिकल और माइथो कम से कम 6 या 7 सीरियल करे हिस्टोरिकल और माइथो मिलाकर. यार मुश्किल नहीं लगता तुम्हें वो? नहीं, मुझे फन आता. संस्कृत होते हैं तो काफी होते हैं वो पर्टिकुलर, एक एक वर्ड याद करना जो पड़ता है. तो तुम कैसे करते थे? एकदम घुट-घुट के पी जाते थे, क्या करते थे? हाँ वही करना पड़ता था. आई मीन अब तो ऐसा हो गया है कि लाइक अभी मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, पढ़ के छोड़ दूंगा, फिर रिहर्सल करूंगा और याद हो जाएगा. क्योंकि अब आदत हो गई है उस चीज की. आंसर्स नहीं याद होते, मुझे भी एक बार बंगाली सीरियल मिला था, पूरा एक्सेंट वही है, उसमें लिखा था रसगुल्ला था, मैंने ऐसे ट्रिक में बोल दिया रसगुल्ला.
रसगुल्ला हाँ कर रही हूँ आइडिया आ रहा है क्यूट लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट टॉपिक गाइस व्हाट इज इट इट्स लव अब तो तुम छोटे हो मम्मी भी नहीं ग्रेट तुम बहन हो सगी वाली तो तुम भी अपना चिप कर सकती हो आइडिया आई थिंक यू बोथ विल मेक सच क्यूट कपल बट ठीक है आर यू डेटिंग समवन आई एम नॉट मेंटली इल नहीं हो कि भाई उनकी ऑलरेडी डिप्रेशन चल रहा है फिर किसी और के भी जिंदगी में जाके उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर रहा है वो नहीं होना चाहिए एंड पैसा भरपूर हो बिकॉज कितना भी करो रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें आई ही जाती है एंड एकदम अच्छे फ्री माइंडसेट के साथ फिर डेट करना स्टार्ट करना चाहिए एक बार बड़े हो जाओ फिर अच्छे से तुम इतनी अच्छी मैच्योर बातें कैसे कर रहे हो दोनों ये मुझे क्यों नहीं मिला ये ज्ञान 15 साल ये ज्ञान मैंने अच्छी थी इसलिए आधे लग ही ना 15 साल के बच्चे मुझसे बोल रही पहले भरपूर पैसा कमाओ फ्री रहो डिप्रेशन हु आर यू Are you a 25-year-old? तुम 35-year-old? तुम दोनों भी What's happening right now? तुम दोनों बहुत जल्दी मैच्योर हो गए हो Please break लगाओ थोड़ा immature हो जाओ Please नहीं immature तो फिर जब बाद में इसकी बाल जब खींचने का टाइम आता है तब तो एकदम immature हो जाता है ऐसा लगता है 5 साल के बच्चे सच में तो अगर इनके लिए आपको एक गर्लफ्रेंड ढूंढनी होती कौन सी क्या तीन चीजें आप ढूंढते मतलब ऐसी होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए और सेम विद यू आई थिंक मैच्योर तो होनी चाहिए बिकॉज ये थोड़ा इमेच्योर है थोड़ा सा एंड ओके तुम्हारे आइडियल टाइप बताओ भाई मुझे नहीं पता है इतना मैं भी बताना होता तो मेरे से क्वेश्चन होता ना एंड यू हैव टू गेस इट फॉर हिम एंड आई थिंक एक तो थोड़ी मैच्योर होनी चाहिए इसको गाइड करनी चाहिए हर चीज़ के लिए बिकॉज कई बार ये कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज हो जाता है तो वो अच्छे से गाइड कर सकें सही गाइड करें and workout करती हूँ जो जिम में जो उसका साथ दे जिम में तो तुम जिम जाती हो नहीं बहुत बढ़िया नहीं जाती है वो जो इनफैक्ट मैंने उसकी वीडियो देखी थी वैसा बॉटल लेके अरे वेट्स के लिए मुझे लग रहा था स्टार्ट करने के लिए दैट्स द बेस्ट थिंग तो मैं वो कर रही थी अब मैं घर में डंबल्स मंगा रही हूँ अमेज़न पे वो दिन आ ही नहीं रहा मैं कब से सोच रही हूँ मंगाऊंगी तो ऐसा फ्रंट रेज और साइड रेज लैटरल ये सब करना है काफी टफ एक्सरसाइज होती है कंपैरेटिवली स्क्वाट से या फिर कोई भी कंपाउंड लिफ्ट से हाँ तो अभी वो वेट जो स्क्वाट के लिए यूज होएगा उससे आधे से आधा वेट कोई भी रेज के लिए या फिर शोल्डर के कोई भी फ्रंट रेज या लैटरल के लिए यूज किया जाता है इंसान का स्क्वाट मार रही है भाई तुम उसको लैटरल फ्रंट रेस कर सक रहे हो उससे स्क्वाट कैसे मारते हो वो उस पे वो जो मैं फॉलो अलोंग कर रही हूं उसको मुझे ऐसा पता है ऐसा कर लिया उसको और उससे ही स्क्वाट मार रही है कोई मतलब ही नहीं आएगा उसका कोई बात नहीं तो मैं कोई क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर व्हाट डू यू थिंक विल बी द आइडियल पार्टनर हु डू यू थिंक कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए कोरियन नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए मैं तुम्हें उसको चाहिए होगा ना यू वांट आई वांट बिकॉज़ मैं चाइना में ब्रॉट अप हुई हूं तो आई थिंक चाइनीज होना चाहिए ना कोरियन नहीं होना चाहिए चाइनीज या कोरियन दोनों में से कोई एक एशियन नहीं होना चाहिए सच में या एशियन नहीं होना चाहिए एक्चुअली एशियन नहीं चाहिए तुम्हें एशियन नहीं होना चाहिए अरे एशियन तो आता है भाई और उसे चाहिए नहीं चाहिए ही नहीं वो होना ही नहीं चाहिए तुम्हारे लिए ऑपोजिट मैनिफेस्टेशन कोई और होना चाहिए ये चाहता ही नहीं ये चाहते तुम सिंगल रहो क्योंकि उसको वैसे ही कोरियन या फिर चाइनीज लोग अच्छे लगते हैं दो और चीजें हाँ प्रॉपर फिजिक होनी चाहिए बहुत मैटर करता है फिजिक
वो तो भाई ऑफ कोर्स हां हां फिजिकली और इसकी एज का होना चाहिए बड़ा नाम इसको बहुत बड़े लोग पसंद आते हैं ना हां लग रहा है मुझे बड़े मतलब ऐसा 30 नहीं 25 इसका बता रहा था मैं joking just kidding we need to talk now we'll talk. I need to talk to him also okay so what is happening like tum like dating kaisa chal raha hai teenagers ke life mein what because main to 10 saal ho gaya teenager I'm dating main gym bas gym to nahi wo dusron ke bare mein baat chal kya raha hai tum dono to khair duro koso duro par ho kya raha hai aajkal what are people doing in love these days tum dono tum logo ki age mein आई थिंक सब कुछ हो रहा है हमारे एज में है सब कुछ हो रहा है घबराहट हो सो आई थिंक दैट्स नॉट ट्रू लव द कंसिडरिंग इट एज ट्रू लव बट वो चीज़ें ग्रेजुअली आनी चाहिए नॉट लाइक तुरंत आ जाए तुम लोग स्कूल जा रहे हो मैं तो जा रही हूँ होम स्कूल कर रहे हैं प्राइवेट सॉरी प्राइवेट कर रहे हो ऑफ कोर्स तुम्हारे स्कूल आ जाएगी घर पर ये बोलेगा मुझे स्कूल यहाँ चाहिए घर के बाजू में बिल्ड करो वो भी कर देंगे इसके लिए तो भाई जब मैंने बिजनेस स्टडीज के मार्क्स देखा क्या तुम क्या कर रही हो भाई कब करी पढ़ाई 11.5 आवर्स पढ़ाई की मैंने रोज ड्यूरिंग एग्जाम्स तबीयत खराब थी ये खराब थी मैंने कहा पढ़ाई तो करूंगी मैं फिर उसके बाद मैंने कहा फिर पूरा दिन के ड्रामा देखूंगी लेकिन अभी पढ़ाई कर लूंगी सो नाइस सो तुम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को समझे कि यू आर आल्सो डूइंग योर मतलब तुम दोनों अपना सब कुछ कर रहे हो ये भी कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि सब छोड़ छाड़ कर तुम ये सब चीजें कर रहे हो मेन कमेंट से ये आता है क्या पढ़ाई कर लो जाके वो कर लो अरे उनको बोलो मैं फर्स्ट आई हूँ लिख दो आई टॉप्ड माई क्लास एग्जैक्टली इग्नोर देम या क्या हो रहा है हमारे फायदा हो रहा है ना कमेंट करना कम कर देंगे वो लोग हमारे कमेंट्स कम एंगेजमेंट कम नहीं होगी हमारे एंगेजमेंट कम है करो कमेंट कंटिन्यू मुझे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है सबके अलग अलग ओपिनियंस है कुछ लोग होते हैं जो हम भी उन्हें नहीं पसंद करते चुप तो अभी बिफोर वी टेक अ ब्रेक एंड प्ले अ गेम एंड वन ऑफ यू ऑल विल विन बाय द वे सो बी कॉम्पिटिटिव फुल्ली कॉम्पिटिटिव जब व्हाट इज लाइक एवरीबॉडी आई नो जो भी आएंगे जो भी रील भी देखेंगे दे ऑल आस्क दिस क्वेश्चन हाउ much do influencers make these days how much you know what so kya hai what's the range right now depends on your content I mean it content. isn't on your followers no these it's days, not on your followers it's not on your followers it's on your audience acha matlab it's on your audience I mean aapki audience kis type ki hai kya class hai audience ka okay agar aapke 10 million followers hai na aur aapke 1 million followers hai तो पॉसिबिलिटी है कि 1 मिलियन वाले का उनसे ज्यादा पर रील का कॉस्ट हो बिकॉज उनकी ऑडियंस आर हाई पेइंग कस्टमर्स इसलिए या ओके डिपेंड्स कि वो कैसा है आई मीन सी जो लोग फैशन कंटेंट बनाते हैं और जो लोग एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है बट लाइक सपोज टू बी लेट्स टेक कॉमेडी कंटेंट करेक्ट ठीक है ये दो अगर हम लोग ले लेंगे जो फैशन कंटेंट बनाते हैं ना उन लोग का ज्यादा फॉर श्योर ज़्यादा होएगा बिकॉज उनकी जो पब्लिक है जो उनकी व्यूअर्स हैं उनके जो वो काफ़ी हाई क्वालिटी है हाई एंड है लोग तो उनका जो भी पे रहेगा वो 100% ज़्यादा होगा मोर देन जो कॉमेडी दूसरे एग्जाम्पल हाँ राइट नाइस इंटरेस्टिंग गुड आई लर्न समथिंग न्यू तुम्हें कुछ बोलना मैं बोलना नहीं मैं भूल गई अरे बहुत अच्छा सब भूल कैसे जाते हैं भूल जाते हैं वो इतना इंस्टाग्राम पर ध्यान गोल्ड फिश इतना टेंशन हो गया बट आई थिंक बता ले मैं बात करते करते भूल जाता हूं ये तो उसको मैं अगर कुछ चीज बोलूं फिर नेक्स्ट दिन मैं वही चीज पूछूंगी क्या था वो अरे मैंने नाश्ता क्या किया मुझे नहीं याद अरे अगले दिन की बात याद ही नहीं रहता है एनीवे तुम लोग एक ब्रेक में याद कर लो विल टेक अ ब्रेक एंड विल प्ले अ स्मॉल छोटी सा गेम ठीक है ऑलराइट टेक अ ब्रेक हैव chocolate मैं हूँ बड़ा ताकतवर मैं बोला आ जाओ
ओके सो हमारा क्योंकि गेम सेगमेंट है व्हिच इज माय सेकंड मोस्ट फेवरेट सेगमेंट, तीन ही सेगमेंट है उसमें मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दिया, बट वी हैव अ वेरी स्पेशल फ्रेंड ऑफ आवर्स जो कि बहन है इनकी एंड शी इज आल्सो अभी बाय डिफॉल्ट मेरी बहन बन चुकी है. आचू गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आचू. माय बूबू बूबू आचू प्लीज कम. हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल. हाउ आर यू? यू आई एम वेरी गुड. यू लुक वेरी ब्यूटीफुल. Inspired by you. सुंदर लग रहा है मिराज का उसे यार, नजर ही ना लगे. Very nice. Okay, so how well do you know each other? मैं नहीं खेलूंगी अब, दूसरा गेम खेलूंगी. ठीक है, आई एम गोना गिव अ वर्ड, उसमें से आपको जितने गाने आ रहे हैं आपको गाने हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू तन्वी, तो जितने गानों में तन्वी है आपको तुरंत तुरंत गाना है. ठीक है, और जो सबसे ज्यादा देगा, जो सबसे ज्यादा पांच पर पहुंचेगा. प्यार होता 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 प्यार करूं. अरे तो उसका खुद का ही गाना है. मेरा गाना है, मेरे लिखा है. तो प्यार होता 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 कई बार है. कितने लिखे? एक सेकंड, कितने गाने हैं? जब फाइव तो फर्स्ट पर्सन टू रीच इज फाइव. ओ अच्छा, ऐसी वर्ड से गाने. अरे बाप रे, मैं तो डूब गई. प्यार प्यार मैं क्या जानू रे, प्यार पहला पहला प्यार है. अरे बाप रे, आई एम हैविंग पैनिक अटैक. कम ऑन कम ऑन. मम्मा कोई बताओ मुझे. नहीं मम्मा नहीं बता रही है. मम्मा आप आंखें बंद करो. प्यार धोखा है, प्यार ये है, प्यार ये. एक सेकंड, ये तुम अपना लाइफ से मत बताओ. कितना मुश्किल है. मतलब कि ऐसा इश्क हो सकता है? नहीं, प्यार ही होना चाहिए. अच्छा, ये जो जल्दी पांच पर पहुंचेगा, यू नो दैट राइट? द गेम इज दैट. कम ऑन, प्यार गाइस, प्यार मोहब्बत इश्क. प्यार हो जब प्यार हो तुमसे ही. कम ऑन कम ऑन, चंदे फटे. मुझे तो मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया. ब्लैक. मुझे प्यार है सिर्फ. क्या मुझे प्यार? अरे आने. गुड जॉब, गुड जॉब. मैं तो एक पे सही दर पे मेरा एंट्री मार दी. वो आई, मैं जीती, मैं निकली. ऐसा उनका थीम होगा. नेक्स्ट वर्ड, आर यू रेडी? या पानी. पानी दा रंग देख के. पानी दा. अरे मेरे ये तो पानी हो सर. चलेगा पानी हो सा भी चलेगा. पानी के तेरे संग पानी हो सा. पानी हो सा. नो 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 नो. पानी पानी. नो नो. पानी पानी. पानी पानी हो गया. अरे यार सिटी नहीं ना. मम्मी कांट हेल्प इट ना. मेरी मम्मी होती तो अब तक डांस कर लिया होता फुल. पानी दा रंग वेख के बोल दिया ना. हाँ. पहला वही बोला तुमने. मुश्किल है क्या पानी? और मिल नहीं रहा है पानी. आप तो यही बोलोगे. आपकी दो बेटियां जो खड़ी पलकों पर, यहाँ पर आपकी स्ट्रगल कैसे देखूं आप उनका. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आराम से इश्क इश्क पर जाते हैं. इश्क पर जाते हैं. इश्क में दिल बना. क्या है वर्ड? इश्क. इश्क में दे. चले पानी के आंसर. मुझे भी नहीं आ रहा था. चले उसका सोने वाला थोड़ा है, थोड़ा नहीं. इश्क वाला लव. इश्क 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 बना है. इश्क तेरा इश्क फर्जी. मैंने बोला पहले दूसरा गाना गा रहा था. दो हुए, इसका एक हुआ, तुम्हारा एक हुआ. कैसे मेरा एक? नहीं तुम्हारा एक. याद है तुमने, तुम अपना कंपोजिंग शुरू कर रहे हो यहाँ. तुम लिख भी यही रहे होगा. इश्क फर्जी बोला एक सॉन्ग है और अभी ये वाला बोला मैंने. दो दो एक. दो कैसे इसका? इश्क यार बहुत है. इश्क पर बहुत है. इश्क टू टू वन. इशकजादे. अगर पानी उसका मैंने दिया तो इशक. इशक भी सेम ही होता है. इशक और इशक. इश्क का इशक. इशक नहीं होता है. इशक तेरा गाना है ना. इशक इज अ डिफरेंट वर्ड यार. बट इट्स इश्क ओनली. इश्क एंड इशक.
चलो जल्दी जल्दी, इसके तीन हुए, मेरे दो हुए। तेरे इश्क में इतना पागल कोई हो नहीं सकता, ऐसा कुछ है गाना। I like you that time giving you, I have no idea ये कौन सी गाना है। तेरे इश्क में ये बायस चीज चल रही है, नहीं बायस नहीं चल रही है, होगा। I'm 100% sure होगा। तू बोल दिख रही हो, बना रहे हो, इसीने इस पे रील बनाया था इसलिए। चलो मैंने 2-3-3 come on guys, दो और है। इश्क तो इश्क तो गले से लगा ले। गुड जॉब। ये कौन सा गाना है? है हमारे जमाने का है, तुम बहुत छोटी हो। थ्री ना, इसके अभी तीन हो गए। नहीं, थ्री, 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 चार हो गए ना। नहीं, थ्री, 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 थ्री। अच्छा, तुम्हें लग रहा था कम बोलूंगी। पकड़ लिया। कम ऑन। नहीं मैं कमली कमली नहीं, वो मलंग अलग गाना है। मलंग अलग गाना तुम जो गा रहे थे वो मलंग है। मलंग में इश्क है। हाँ वो जो है ना, हाँ तो हो गया ना। इश्क जैसी, इश्क जैसा कुछ मेरा हो गया। एक सेकंड, हो गया मेरा, मेरा भी फोर हो गया। शी सेड नेक्स्ट जिसका है उसको मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। Yes. Yeah. We have to give this to him. तुम दोनों का मैं बहुत बायस हो रही हूँ। इसको साफ साफ दिखाई दे रहा है। बेचारा लैपटॉप लो। चलो अभी टाई जब्ती। At least एक देवानी फैमिली में है। टाई ब्रेकर वर्ड नाउ। रेडी? टाई ब्रेकर जो जीता वही फाइव करना है। हाँ हाँ हाँ। जिंदगी में जिंदगी लगी दी पौड़ी जिंदगी रख जड़ांगे तेरे नाल चढ़। मेरी बहन का गाना है। पहली दफा कुछ तो ऐसा है। एक जिंदगी वो हो गया। वो सुन लव यू जिंदगी। मैंने लव यू जिंदगी कहा। दोनों अलग है। हाँ जिंदगी में पहली दफा। एंड तेरे कुछ ऐसा है ना, तेरे प्यार से जिंदगी में जीना आया, ऐसा कुछ तो लिरिक है। जिंदगी तो है उसमें। नहीं नहीं मुझे नहीं पता। जिंदगी जिंदगी एक सफर है सुहाना। टू Come on guys. मुझे लगता है जब मैं आयान पे फोकस करती हूँ वो दे देता है। ऐसी है पहेली। ओ अरे मम्मा उसमें अपना हरदम मैं जिंदगी का शब्द नहीं है क्या? एक सेकंड। हेल्पलाइन सॉन्ग नहीं है? नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। 2-1-2 2-1-2 जिंदगी मुझे आ रहे बहुत भर भर के गाने आ रहे थोड़ा एक नहीं नहीं, 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 नहीं बहुत बहुत दिख रहा है सब साफ साफ दिख रहा है। जिंदगी और कुछ भी नहीं जिंदगी की यही रीत। 3-2-2 अच्छा आ रहा है। सब लोग पुराने गाने पे जा रहे हैं, कोई किसी को अभी के गाने याद नहीं आ रहे। जिंदगी जिंदगी एक दो पल की। मैंने वो गाना गा दिया जो मैंने लिखा हुआ है। हाँ तुम गा। नहीं मैंने लिखा है वो, बस बनाया नहीं है वो, बस लिखा हुआ है मेरे पास। फोर हो चुके अभी, एक ही बचा है गाइस। हैम्पर मेरा होगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस, कैन डू दिस। अब फिर यार जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। हो गया कम ऑन। जिंदगी एक जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिश बोल दिया मैंने। 10-9 एक सेकंड। आ क्या तुम लोगों ने जिंदगी में गिव अप कर लिया है? वो इतना दुख नहीं हुआ जिंदगी में, इतना गिव अप करेंगे तो इतना दुख होगा जितना यहाँ हुआ। नो ओके बट वेरी गुड आचो। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। हाँ 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 इसको किसने हाये तो बहता पानी। नहीं आता इसमें गाना। पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। महाराष्ट्र ओके लास्ट पिक्चर ऑन योर फोन। ओ शिट भाई Mm-hmm.
किसको थम्स अप भेजा तुमने? आयुष्मान खुराना मेरा रील लाइक किया, वो उसका स्क्रीनशॉट है। आयुष्मान खुराना गुड जॉब। आयुष्मान ये तुमने, ये मुझे इसकी स्टोरी जाननी है। इसने तो स्पाइस इट अप के साथ फोटो ये हाँ, मेरा मैंने बहुत टाइम के बाद मेरा शूज पहना था और ये शूज मेरे इस जींस के ऊपर अच्छे जा रहा था, मैंने ऐसा करके ऐसा एक कैजुअल से एस्थेटिक टाइप किया। अच्छा फोटो और ये ठीक है। लास्ट पर्सन यू गूगल्ड? नहीं सॉरी, गूगल तो तुमने पर्सन किया नहीं होगा। लास्ट इंस्टाग्राम पे जिसने तुम्हें सर्च, जिसको तुमने सर्च किया? लास्ट इंस्टाग्राम पे मैंने जिसको किसी को नहीं किया, किसी को नहीं चाहत बट वाटर पार्क एंड रिसॉर्ट। Thank God, आज मैंने अच्छे लोग को ही सर्च किया। सर्च भावेश पाटिल। ओके इंटरेस्टिंग। आई थिंक मैंने लास्ट सर्च किया था वीको। आई थिंक नहीं, हटा दिया इसने। सब इसने सब चीटिंग से पहले ही हटा के रख दिया। हटा के ही रखती हूं मैं, नॉर्मली घर पे भी टक 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 हटा के रख देती हूं ताकि हम इसके क्रशेस चुरा ना ले इसलिए। एग्जैक्टली। लास्ट पिक्चर यू पोस्टेड इंस्टाग्राम? पिक्चर आई पोस्टेड। ओके नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी फोटो। लास्ट पर्सन यू टेक्स्टेड ऑन व्हाट्सएप और क्या लिखा था वो भी जानना है मुझे। मम्मी को लिखा कम इनसाइड कम। मैंने मेरे ट्यूशन टीचर को लिखा कि आज ट्यूशन नहीं रख सकती, इंटरव्यू है, नीज ही रोट ओके जी। मैंने रोहित भाई को लिखा गलत हो रहा है, अच्छे बच्चे आप जो एक्सपेक्ट करना चाह रहे थे वो कुछ मिल नहीं रहा। लास्ट थिंग यू गूगल्ड, गूगल पे जाओ। महाराष्ट्र महाराष्ट्र मैंने सर्च किया, बाकी मैंने एक स्विम सूट सर्च किया था। स्विम सूट महाराष्ट्र क्यों किया पता नहीं, ऐसे मैंने महाराष्ट्र सर्च किया। वाटर पार्क के बारे में Last person you called. Show me. Called या फिर आया? Yeah. Oh, who is this? I want to know. Jannu. Oh, I thought Janu. Jannu. मेरा तो किसी company से वो आया था for collaboration, मैंने उनको call किया था last. मेरा नंबर दिखा दिया तुमने। मुझे जाना है कहीं माथा फोड़ के आना है। नहीं ये तो ये गेम से कुछ नहीं मिलेगा। आपको लगा था हम सिर्फ एक्ट कर रहे हैं, ये अच्छे बच्चे हैं और एक्चुअली बहुत अच्छे बच्चे हो। नहीं मैंने कभी सोचा ही नहीं तुम एक्ट करते हो। जिनकी माता यहाँ है वो अच्छे बच्चे होंगे ही, 100% होंगे। सो आई एम गोना आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्पोर्ट्स। ठीक है, अभी अयान में जोश है। वही 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 सर्च कर सकेंगे, ऐसे गाना भी सर्च कर सकते थे। नहीं यार बहुत मुश्किल है ये। चलो तुम सब लोग गैस ही करना, जो जीता जीता। ठीक है बहुत मुश्किल है तो मुझे नहीं आएगा। कौन सा है? शो मी, शायद से मिल। जीके टुडे स्पोर्ट्स जीके। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन है नहीं जो आपने बोला बहुत टफ है। सिंस विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विंटर ओलंपिक्स आर हेल्ड? विंटर ओलंपिक्स कब से शुरू हुए हैं? देखते हैं, गैस मारना, किसी को भी नहीं पता इधर। ओके रेडी, 1896, 1988, 1924. थाईलैंड, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया? अरे भाई नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड। ओके यू आर थाईलैंड है, आई डोंट नो, ऑप्शन है थाईलैंड या नॉर्थ कोरिया, में से दोनों में से कोई। यार मैं नहीं कर सकती अभी, ये इतना लीनियंट, ये जो शो आंसर करेगा वो हां थाईलैंड, नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड, 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 सर ये चूज लो और साउथ कोरिया कुड बी नॉर्थ कोरिया। और ये सब लोग वेरी गुड। यूथ ओलंपिक गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर व्हिच कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स? Youth Olympic Games are organized for. Sorry. 1824. रुक जा तू, option देख ले। 10 to 14, 14 to 18, 13 to 21, 14 to 21. I think 14 to 21. 13 to 21. फिर से बोलती हूँ। 10 to 14, 14 to 18, 13 to 21, 14 to 21. Youth Olympic Games. 14 to 18. Yes. तीनों ने सब, मैं जब मैं किसको दूं मैं समझ नहीं पा रही, मैं घबराहट हो रही मुझे। मैं obviously you can see I'm winning. Yeah, you are winning everywhere. Who was the first marketing director of International Olympic Committee? Michael Payne,
पेन जुआन एंटोनियो रिचर्ड पाउंड एवरी ब्रंडेज सॉरी यार अगर आप मेरा सुन रहे हो जिंदगी में कभी तो आई एम वेरी सॉरी आपके नाम सब गलत बोले अभी गेस कर लो ABCD बोल दो मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ABCD गेस तुम लोगों को वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये तो ये जानते हैं इंडिया हाँ न्यू दिल्ली मुंबई नासिक लखनऊ न्यू दिल्ली मार्शल आर्ट्स किया है बैडमिंटन किया है स्विमिंग किया है और मैंने मार्शल आर्ट्स में नेशनल्स खेला है नेशनल लेवल मेडलिस्ट हूँ मार्शल आर्ट्स में आई प्लेड स्टेट्स इन बैडमिंटन आई प्लेड स्विमिंग आई प्लेड बास्केटबॉल हाँ आई मीन ज्यादा स्पोर्ट्स नहीं करता हूँ ये समय कब मिला करने के ये रोज दिन में 2 घंटे निकालता है बैडमिंटन के लिए सिर्फ बैडमिंटन के 2 घंटे बाकी जिम के 3 घंटे और फिर मार्शल आर्ट के लिए 1 घंटा फिर हाँ रिसेंटली स्टार्टेड प्लेइंग स्नूकर वो भी सीख रहा हूँ मैंने भी मस्त है क्या तुम्हारे पास ज्यादा घंटे हैं मैं कॉलेज 28 आवर्स है इसके बाद मैं नहीं मैं मैच नहीं कर पा रही हूं क्या रहा है इस जिंदगी में क्या हो रहा है ओके गाइस लास्ट सवाल हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी आर लोकेटेड इन व्हिच कंट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री ग्रीस स्विट्जरलैंड बेल्जियम फ्रांस बेल्जियम देते रहो तीनों देना तो गेस करना ही है स्विट्जरलैंड ओके यू आई गेस नॉट फ्रांस फर्स्ट वाला कौन सा था ग्रीस स्विट्जरलैंड बेल्जियम फ्रांस स्विट्जरलैंड यस गुड जॉब बोथ ऑफ यू ऑल डिड गुड जॉब ओके हु इज नोन एज द किंग खान ऑफ बॉलीवुड शाहरुख तुम लोग देखो मैं देख मैंने SRK बोला तो मेरा पहले होना था मैं देख रही अरे देखो पूरा नाम लेना है शाहरुख खान SRK बेसिक क्वेश्चन था ये रहने दो अगर रणवीर कपूर को RK नहीं बोल सकते रणवीर ओके व्हिच एक्टर मेड हिज डेब्यू विद द फिल्म बीवी हो तो ऐसी बट रोज टू फेम विद द फिल्म मैंने प्यार किया आर माधवन अमिताभ बच्चन शाहरुख खान आमिर खान दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन आमिर खान मुझे लगी रहा था व्हिच एक्टर प्लेड द रोल ऑफ बाजीराव इन द फिल्म बाजीराव मस्तानी तीनों ने साथ में दिया व्हिच एक्ट्रेस प्लेड द रोल ऑफ रानी इन द फिल्म क्वीन हु डायरेक्टेड द फिल्म कुछ कुछ होता है करण जौहर हु प्लेड द रोल ऑफ मुन्नी इन द फिल्म बजरंगी भाईजान हर्षाली मल्होत्रा हु सैंग द सॉन्ग तुम ही हो फ्रॉम द फिल्म अरिजीत सिंह गुड जॉब आई थिंक सब जवाब वही दे रही है हमें उसे देना चाहिए ये मतलब बाय डिफॉल्ट चीज होने गुड जॉब आवर सरप्राइज गेस्ट हैज वन द हार्ट एंड द गिफ्ट थैंक यू सो मच थैंक यू रैपर स्माइल फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड हैविंग सो मच फन ऑन दिस कॉच आई थिंक यू हैड फन आई हैड अ लॉट ऑफ फन आई थैंक्स टू यू एंड हिंदी टीवी We to had a lot of fun. आप लोग enjoy करो ना करो हमने बहुत मजे कर लिए Remember to add spice in your life. Little is good. Too much will cause tummy problems. We do not want that. Okay. See you next Friday. Love you all. Mwah. Bye. टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।